दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे फेमस ऐसी नर्सरी में आज हम IIMM दिल्ली के छात्र पहुंच चुके हैं। दिल्ली के दिल में बसती नर्सरी का नाम राजधानी नर्सरी है, जो तकरीबन 1976 से स्थापित है। मोहम्मद वसीम खान इस नर्सरी के गौरवशाली मालिक, जिनकी देखरेख में यह नर्सरी नए मुकामों तक पहुंची है। मेरा नाम वसीम खान है और ये नर्सरी मेरे फादर ने स्टार्ट की थी 1976 में। यह नर्सरी न केवल आकर्षक व खूबसूरत पौधों का घर है, बल्कि यह अन्य पक्षी और कीड़ों का भी, जो अक्सर यहाँ पाए जाते हैं। मेरा नाम राम स्वारत है। ये पेड़ है, इसको हम लोग लीना कहते हैं और पोनीटेल पाम भी कहते हैं। इसमें पानी बहुत कम चाहिए और बहुत खूबसूरत है। बेस देखिए, इसके कितने बड़ी बेस है। हम भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसा काम मिला है जो हर वक्त ग्रीन रिवर रहते हैं। AM खान मेरे फादर का नाम था और पहले वो जॉब पर थे उससे पहले, लेकिन उनको काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जो है ये प्लांट्स का काम, नर्सरी का काम शुरू किया। और ये 1976 में उन्होंने नर्सरी का स्टार्ट की और तब से ही मतलब वो करते चले। यह नर्सरी सैकड़ों पौधों फूलों की प्रजातियों का घर है, जैसे कि बोगेनविलिया प्लांट्स, फीकस प्लांट्स, कैना जेड प्लांट्स और कई सारे हेजिस इस जगह पे मिलते हैं। मैं तो लोगों से भी यही अपील करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जैसे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट में आप लोग प्लांट्स दीजिए, वो घरों में रखिए, घरों की खूबसूरती बढ़ेगी।